ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से बोला था कि ब्लेंडर पे हम स्कल्पिंग कैसे करें। रिगिंग और स्कल्पिंग के बारे में उन्होंने पूछा था, तो रिगिंग के बारे और एनिमेशन के बारे में मेरे को ज़्यादा तो नहीं पता। मैं बेसिक्स उनके बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। हो सकता है मैं कुछ गलत बोल दूँ, तो कुछ एनिमेशन वाले कुछ बोलने लगे, तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। बट स्कल्पिंग के बारे में मैं मतलब बता सकता हूँ, इतना कि मैं बता सकता हूँ। तो मैं बेसिकली स्कल्पटिंग करता हूँ ज़ीब्रास पे, बट इन्होंने पूछा था ब्लेंडर पे कैसे करते हैं, तो ब्लेंडर पे भी करते हैं, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली इसमें स्कल्पटिंग करना, मैं एक्चुअली न्यू हूँ इसमें, तो मैं ज़्यादा इस पर काम नहीं किया स्कल्पटिंग का। बट अभी फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम ये मेरा है जो मैं इसमें स्कल्पटिंग के लिए काम करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं काम कैसे करते हैं। मैंने इसके टूल्स को अभी कुछ देर पहले मैं यूज़ ही कर रहा था, और अलग अलग तरह से देख रहा था कि कौन से टूल कैसे काम आते हैं। बहुत अच्छे से टूल्स हैं, मतलब ब्लेंडर भी अभी इवॉल्व कर रहा है स्कल्पिंग के मामले में। मतलब अभी जो इन फ्यूचर जिनके पास ज़ीब्रश या इनके लाइसेंस खरीदने के ये नहीं होते, लाइक स्टूडेंट्स जो ज़ीब्रश या सब स्कल्पिंग सॉफ्टवेयर के लाइसेंस नहीं ले सकते, वो स्टार्ट कर सकते हैं। उनको वो एकदम परफेक्ट है उनके लिए ब्लेंडर, अगर उनको स्टार्ट करना है स्कल्पिंग से, स्कल्पिंग सीखना है ब्लेंडर पे तो। और एक बेसिक जानना है कि मतलब किस ब्रश से क्या काम होता है। और मैं देख रहा था कि जो ब्रशेस में ब्लेंडर मैं ZBrush पे यूज़ करता हूँ, वही सेम टू सेम ब्रश इस पे भी है, बस नेमिंग डिफरेंट है। काम दो मतलब काम सेम है, बस नाम डिफरेंट है। जैसे कि मैं अभी एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ स्कल्पिंग के लिए, तो टोन सेव कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मेरे लिए एक स्फेयर ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेम कंट्रोल से 317, 7 से टॉप व्यू, 3 से साइड व्यू, और एक्स से ये जो सारे हमारे बेसिक कंट्रोल्स होते हैं वही है। अब इसमें बेसिकली हमें पहले तो मिलता है ये ड्रॉ ब्रश, तो ड्रॉ से हम कुछ भी एक लाइक इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं। ये इन्वर्ट भी आप कर सकते हो। जैसे इन्वर्ट कैसे करेंगे अब इसको, उसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा प्लस, यहाँ पे प्लस है, माइनस में जाओगे तो ये जो ड्रॉ ब्रश है वो माइनस में काम करेगा, जैसे कि ये। अब इसका एक शॉर्टकट की भी होता है, मैं उतना शॉर्टकट्स के बारे में नहीं गया हूँ कि मतलब हर ब्रश का सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो आप खुद से खोज सकते हो। बट मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि आप कैसे काम करोगे। अभी ये तो मैं बेसिक हर ब्रश का एक बेसिक बता दे रहा हूँ कि मतलब कौन से ब्रश क्या काम करते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको इतने सारे ब्रश दिए गए हैं सारे साफ सबका आपको यूज़ करना है। प्रोफेशनल से प्रोफेशनल लोग भी जब ज़ीब्रश से या ब्लेंडर जैसे स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं ना, तो वो तीन चार ब्रश उनका फेवरेट ब्रश होता है। तो आप भी अपने हिसाब से तीन चार ब्रश को ही रखो, आप ज़्यादा ब्रशेस के पीछे मत भागो कि ये ब्रश भी है, ये ब्रश भी है, इस ब्रश से भी काम करना है, इस ब्रश से भी काम करना है, नहीं। जो काम आपका तीन चार ब्रश के अंदर आपका पूरा जितना भी आपको इतना 20 15 20 ब्रश इसमें मिला हुआ है, आपको बस टोटल 4 ब्रशेस की ज़रूरत है। वो 15 20 वो जितने भी यहाँ पे दिखा रहे हैं वो सारे काम आपके वो 4 ब्रश कर देंगे, जो यहाँ पे 15 20 ब्रश के अलग अलग फंक्शंस हैं। तो मैं बताता हूँ अभी वो कैसे। तो इसे मैं फिर से प्लस कर दूंगा, स्ट्रेंथ को कम रखूंगा मैं। आप स्ट्रेंथ देख सकते हो, अपना रेडियस देख सकते हो, आपका ब्रश का रेडियस क्या होगा। सा मेरा मैं थोड़ा सा कम करके चल रहा हूँ। यहाँ पे अलग अलग तरीके के ऑप्शन हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर स्ट्रोक ब्रश में आप जाके नॉर्मल रेडियस चेक कर सकते हो अपना, तो ये सब है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस टेक्निक दिखाऊंगा कि मतलब कौन कौन से ब्रश हैं। पहले पहला तो ड्रॉ हो गया, ड्रॉ वाला ब्रश जिसे जस्ट आप अपना एक बेस डिटेल दे सकते हो, लाइक आईज का डिटेल या वैसा कुछ डिटेल वगैरह पे आप काम कर सकते हो। अब आपको रेडियस पे काम करना है, स्ट्रेंथ कितना रहेगा वो देखना है। पहले रेडियस को देखते, स्ट्रेंथ क्या काम, स्ट्रेंथ ओके इनर सर्कल को भी कंट्रोल करता है, और रेडियस अपना बाहर के सर्कल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो मैं इसका स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगा और रेडियस कम कर दूंगा, ठीक है। राइट आप ये पूछ रहे हो आपके मैंने कैसे किया, इस ऑब्जेक्ट पे बस राइट क्लिक करना है और आपका ये ओपन हो जाएगा। तो ठीक है, अब मैं पेन प्रेशर ऑन कर ले रहा हूँ दोनों पे। पेन प्रेशर करता क्या, मैं पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ, तो जहाँ पे मैं प्रेशर ज़्यादा लगाऊंगा वहाँ पे ज़्यादा
उस पर प्रेशर बनेगा और वो ज़्यादा प्लस से या माइनस के साइड जाएगा। जैसे मैं माइनस पे करता हूँ और जितना मैं ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर लगाऊंगा जितना ज़्यादा उतना अंदर के साइड होते जाएगा, जितना कम प्रेशर लगाऊंगा उतना कम होगा इस पे काम। ये देखिए जैसे मैं कम एकदम बस टच कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। और मैं डार्कली टच करूँगा मतलब एकदम हार्ड वे में टच करूँगा तो एक इस तरह का क्रिएट होगा मेरा। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका, आप किस हार्डनेस से आप काम कर रहे हो उस हार्डनेस पे आपका काम करेगा ये। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक ब्रश जो होता है हमारा ड्रॉ ब्रश, इससे काम। इसके बाद आता है हमारा ये ब्रश का नाम है ड्रॉ शार्प। इससे क्या कर सकते हो आप लाइन क्रिएट कर सकते हो। लाइक मैं अभी आपको धीरे धीरे करके हर एक ब्रश के बारे में बताता हूँ, हर एक ब्रश नहीं मतलब तीन चार ब्रश के बारे में। और जैसे कि पहला ब्रश तो ये हो गया हमारा, मेरे को लाइक अब क्रिएट करना है इससे एक आई क्रिएट। पहले तो इसमें एक मिरर एक्स वाई जेड, मेरे को वाई एक्सेस पे मिरर करना है। ठीक है, तो मैं चलो एक एनिमल का हेड बनाता हूँ, देखते हैं क्या कैसे बनता है इसमें। तो माइनस पे करा था मैंने तो अंदर के साइड हो रहा है। ठीक है, और शिफ्ट प्रेस करके आपने जो काम किया उसको आप स्मूथ कर सकते हो। लाइक मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ और देख रहे हो कि कुछ हार्ड टाइप का मतलब पिक्सलेटेड क्रिएट हो रहा है। अब इसे स्मूथ करना है, स्मूथ कैसे करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके आप स्मूथ कर सकते हो। ठीक है, तो ये है बेसिक पहले तो। और हाँ, ये सब करने से पहले मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया। लाइक जैसे ही आप स्कल्पिंग मोड पे जाते हो, लाइक मैं फिर से जाता हूँ न्यू स्कल्पिंग डोंट सेव। ठीक है, ये जैसे ही आपका ये स्फेयर आता है उसके बाद आप अपने इस वाले बॉक्स को चेक कर लो, डायनेमिक टोपोलॉजी टॉगल, इसको ओके कर दो। और इसमें डायना टोपो में जितना आपका हाई पिक्सल साइज होगा उतना आपका जो ये ऑब्जेक्ट है उसका वर्टेक्स कम होगा और आपको स्कल्टिंग करने में प्रॉब्लम होगा। और जितना कम आप करोगे उतना वर्टेक्स उसका हाई होते जाएगा। आप अभी समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, बट हाँ मैं समझाता हूँ इसको। पहले तो डिटेलिंग में जाके कांस्टेंट डिटेल्स को ऑन कर देना है और स्मूथ शेडिंग ऑन कर देना। ठीक है, तो हमने एक पहला अचीवमेंट कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या बोल रहा था कि इसके बारे में मैं क्या बात कर रहा था, रिजोल्यूशन के बारे में। मैं मान के चलते हैं ओके। इसमें अब क्या होगा कि आप जितना मतलब इसका वर्टेक्स रिजोल्यूशन को कम रखोगे उतना आपको पिक्सलेटेड फील होगा अपने काम में। लाइक मैंने अपना डायनोटोप रिजोल्यूशन को रखा है 2, तो इसमें आप देख सकते हो। अब मैं किसी कोई भी ब्रश को यूज़ करूँ तो कुछ इस तरह का एकदम वियर्ड वर्टेक्स भी, बड़ा बड़ा वर्टेक्स नज़र आ रहा है मेरे को इसमें। अच्छे से मैं स्कल्पिंग नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे इसका रिजोल्यूशन बढ़ाऊंगा तो आपको खुद भी पता चल जाएगा। लाइक इसको ऑन रखना है तभी आपका ये सारे काम हो पाए। अब जैसे मेरा 2 पे था, अब इसको 12 पे करते हैं, अब देखते हैं कैसा काम चलेगा इस पे। अब अच्छा काम हो रहा है बट अभी भी ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ये ट्रायंगल्स नहीं दिखना है। अब इसको और हाई करते हैं, लाइक 25 पे रखते हैं। तो ऐसे से आप अपने काम के हिसाब से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपके काम पे कैसा दिखेगा। ठीक है, अब मैं 50 पे रखता हूँ। मैं बेसिकली 50 पे अभी अभी तक जितना ब्लेंडर पे काम किया हूँ 50 पे ही रख के काम किया हूँ, क्योंकि 50 मेरे को मैक्स मेरे को अच्छा खासा रिजोल्यूशन दे देता है। और बाकी मेरे को शिफ्ट प्रेस कर करके अपना जो बेस अगर सही करना रहा वो मैं 50 पे शेड्स मतलब स्मूथ शिफ्ट प्रेस करके कर सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा काम यहाँ पे। तो मैंने बता दिया डाइनो टॉपो क्या काम करता है और चेक इसको ऑन करने पे ही आप इसके रिजोल्यूशन के साथ खेल सकते हैं। अब यह आता है यहाँ पे क्ले ब्रश। क्ले ब्रश बेसिकली करता क्या है कि आपने इस तरह का शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ और क्ले अगर आप दोनों साथ में यूज करते हो ना तो आपको बहुत अच्छा सा कुछ ये दे देता है। इसका साइज आप अपने हिसाब से बढ़ाते रहो, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह का, क्योंकि मेरे यहाँ पे डायनोटोपो में हाई है रिजोल्यूशन, मैं 25 रखूँगा, कम ही रखूँगा अपने को। मेरे को ज़्यादा देख बस मेरे को आपको फुल टोटल उस पर शो करना है। तो इस पर बस ऐसे से काम करूँगा स्मूथ। क्ले बिल्डअप बेसिकली आपका मसल्स बनाने में काम होता है। लाइक अगर कहीं पे मैं कुछ
एनाटॉमी पे आपको काम करना, मसल्स के एनाटॉमी पे, तो उस टाइम पे ये काम होता है। तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, एक कैरेक्टर में, एक कैरेक्टर का हेड मैं बनाऊंगा, उसमें आपको सारे प्रोसेस का बता दूंगा कि आपको सारे प्रोसेस की जरूरत नहीं है यूज़ करने के, आप कुछ 3-4 प्रोसेस की जरूरत पड़ेंगे आपको मैक्स टू मैक्स बस। और इन एक्सेप्शनल केस, अगर बहुत रेयर केस आ गया कि लाइक हाँ आपको कोई और ब्रश यूज़ करना है, तब आपको कोई और ब्रश यूज़ कर सकते हो। तो लाइक अभी मैं एंडो कर रहा हूँ, ज़्यादा एंडो नहीं करूँगा। अब ये है मूव ब्रश या फिर प्ले थंब, इससे क्या होता है, इससे हम अभी ये देख रहे हो आप, ये एक तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो। तो बेसिकली ये आपका जो है, आपको आप जो देखते हो ऑर्नामेंट्स वगैरह में डिज़ाइन होते हैं एक तरह के, तो बेसिकली आप इस तरह का डिज़ाइन आप इससे क्रिएट कर सकते हो। प्लस माइनस पे चल जाओ, प्लस माइनस पे चल जाओ काम पर, इसमें प्लस माइनस नहीं है। ओके ठीक है, तो आप शिफ्ट प्रेस करके आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो इसमें। जैसे कि मेरे को ये सर्कल क्रिएट करना था, ठीक है, अब यहाँ पे आसपास का एरिया मैं स्मूथ कर दूंगा और ये पार्ट को थोड़ा सा स्मूथ कर दूंगा और रेडियस को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। और अब ब्रश का साइज मैं छोटा हो गया, अब स्मूथ करना कुछ इस तरह से, ब्रश आप यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का मेरा शेप क्रिएट हो गया। अब आता है ये ब्रशेस का नाम है लेयर ब्रश। इसका बेसिकली आपको ज़्यादा यूज़ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बेसिकली सारे ब्रशेस सेम ही है, मतलब ये भी एक तरह का ये ड्रॉ ब्रश ही है, बस इसमें एक दूसरे के से ही सिमिलर है, बस रेडियस और स्ट्रेंथ के कारण नए नए ब्रश क्रिएट हो जाते हैं इससे बस। अभी मैं ड्रॉ ब्रश के साथ भी वही कर सकता हूँ, ड्रॉ ब्रश का स्ट्रेंथ बढ़ा दूँ तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। लाइक मतलब मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ कि ये मैंने एक क्रिएट कर लिया, मान के चलते हो अब आपको लगे कि ये वैसा शेप क्रिएट हुआ है, बस आप इस पर फ्लैटन टूल यूज़ कर लो, आपका वो शेप क्रिएट हो जाएगा। फ्लैटन टूल क्या है, यहाँ पे ये आपका बेसिक जो ड्रॉ शेप था ना उसको ये फ्लैट कर देगा, ये तो हो गया। तो कुछ कुछ मतलब सारे आपको जरूरत नहीं है, आप कुछ कुछ अगर आपको कुछ कुछ ब्रशेस का अगर आपको नॉलेज हो गया तो उन कुछ कुछ ब्रशेस से आप मल्टीपल ब्रशेस खुद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे ये वाला ब्रश था, ड्रॉ शार्प करके जो ब्रश था, अब इसको आप इसका रेडियस कम कर दो। अब आप चाहते हो कि ये जो लाइनिंग है ये अच्छा सा डिटेल एक लाइन बन जाए, हार्ड सरफेस जब आप काम करते हो तो आपको लाइनिंग वगैरह पे ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ अगर आप चाहते हो कुछ इस तरह से लाइन बन जाए और ये लाइन थोड़ा स्मूथ हो, ये बहुत पिक्सेलेटेड है, ये लाइन आपने क्रिएट कर दिया और शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ करना, रेडियस छोटा, स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम कर देंगे और स्मूथ कर देंगे और साइड साइड से चला रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आपका क्रिएट हो जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे शार्प लाइन भी आपको दिख रहा है, लाइन का लाइन बन गया और आपको एक अच्छा सा शेप भी मिल गया। अब स्मूथ बस आपको रेडियस, मैं ज़्यादा सॉफ्ट, मैं एक्चुअली इस पर न्यू हूँ तो ब्लेंडर के स्कल्पिंग पे, तो मैं इसके शॉर्टकट्स नहीं बता पाऊँगा, बट हाँ मतलब ब्रशेस को कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। हर सॉफ्टवेयर में ब्रशेस को काम करने का तरीका सेम होता है, नाम डिफरेंट हो सकता है, बट काम सारे, हर एक सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अपने ब्रश के काम सेम होता है, ठीक है। तो ये एक तरह का डिज़ाइन है, ठीक है। तो जैसे कि आपको कुछ अपना, ये तो मैंने अपने हिसाब से बना दिया कुछ भी, और आपको कुछ भी अपने हिसाब से बनाना है आप कर सकते हो। फिर एक होता है इसमें मूव टूल, ये इन्फ्लेट, इन्फ्लेट बेसिकली आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा नहीं, इन्फ्लेट कहीं कहीं पे यूज़ करना आपको जरूरत पड़ सकता है। लाइक आपको किसी मॉन्स्टर के पिंपल्स बनाने हैं तब जरूरत पड़ सकता है,
लाइक कुछ इस तरह का पिंपल्स होता है, बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं लाइक जो मॉन्स्टर्स होते हैं, आप देखोगे कि पिंपल्स टाइप के कुछ होते हैं, तो उन टाइप की जगह पे काम, और भी बहुत सारी जगह पे आते हैं। एग्जाम्पल मैं अभी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको। फिर हो गया आपका ये ब्लॉब, ब्लॉब एक तरह का आपका सेम ही हो गया आपका, ये आप जो इससे करोगे ड्रॉ टूल से आप जो क्रिएट करोगे वो आप ब्लॉब टूल से क्रिएट कर रहे, ब्लॉब और ये स्मूथ स्कल्प ड्रॉ दोनों सेम ही है एक तरह से, बस इसमें मैं रेडियस को थोड़ा कम कर दूंगा। लो बन गया मेरा ब्लॉग, ये वाला ब्लॉग और ये है ना ब्लॉग, दोनों में अब डिफरेंस क्या है, दोनों को सेम ऐसे हैं, मतलब कुछ कुछ ब्रशेज ऐसे भी होते हैं लाइक आपको लगे कि दोनों सिमिलर है, हाँ वो दोनों सिमिलर है, आपको बस अपने हिसाब से अडेप्ट करना है कि वो कैसे। अभी देखो मैंने ड्रॉ टूल यूज़ कर लिया और ड्रॉप टूल यूज़ करके आप देखा दोनों सिमिलर थे, प्लस मैंने ये भी लिखा है कि ये हमारा लेयर टूल, लेयर टूल, हाँ लेयर टूल और ये स्कल्प ड्रॉ दोनों, ये दोनों भी सेम है। आप एक एक ब्रश को अगर आप ये लेयर टूल यूज़ नहीं, ये लेयर ब्रश यूज़ नहीं भी करना चाहते या ब्लॉक टूल या इनफ्रा टूल यूज़ नहीं भी करना चाहते हो ना, तो मैं कुछ ब्रशेस मैं आपको बता दूंगा एंड इस वीडियो के एंड में, जिसको यूज़ करके आप मतलब वेरियस काम कर सकते हो बिना एक्स्ट्रा प्रोसेस का नॉलेज गेन किए हुए। लाइक यहाँ पे साइड में जो एक्स्ट्रा प्रोसेस के इतने सारे हैं उनका नॉलेज आपके पास नहीं भी रहेगा ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लाइक 4 to 5 ब्रशेस आपको चाहिए बस। तो अब आ गया प्लीज, प्लीज क्या करता है, प्लीज भी देख लेते हैं। ओके तो क्रीज बेसिकली की करता है कि इनवर्ड कर देता है, मतलब मेरा ये वाला जो पार्ट हो गया, मैं अगर ड्रॉ शार्प कर दूं और सेम टाइप का इफेक्ट क्रिएट करना चाहूं तो लेट्स सी क्रिएट होता है कि नहीं। माइनस में गया, स्ट्रेंथ हाई कर देंगे, ठीक है देखते हैं, और स्मूथ कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है तो क्या वो क्रिएट हो गया ना, लाइक मैं जो ये ड्रॉ शार्प यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरा क्रीज ब्रश, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि दोनों ड्रॉ शार्प और क्रीज ब्रश दोनों एक ही है, बस एक्स्ट्रा मेमोरी बढ़ाने के लिए मैंने दे दिया गया कुछ। हाँ हो सकता है कुछ कुछ पार्ट्स में दोनों अलग डिफरेंटली काम करें, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दोनों सेम ही काम करेंगे आपको बस। मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, दो ब्रश यूज़ किए, लाइक यहाँ पे अगर मैं मेरे को क्रीज मिल रहा था, क्रीज ब्रश बस एक बार चलाना था मेरे को, लाइक मैं इसका स्ट्रेंथ अगर फुल कर दूँ, इसको एक बार बस चलाना था, तो ये ड्रॉ शार्प वाला भी ब्रश यूज़ कर ले रहा था और स्मूथ ब्रश भी यूज़ कर ले रहा था साथ में, बट मैं मेरे को अगर ये यूज़ नहीं करना है, मैं डायरेक्ट अगर ड्रॉ शार्प ब्रश यूज़ करूँ, एक इस तरह का लाइन क्रिएट करूँ मैं, चलो अंडो करते हैं, और एक इस तरह का लाइन क्रिएट कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे बस ऐसा कुछ कर दूँ, तो ये क्रीज का क्रीज ब्रश नहीं बन जाएगा एक्चुअल में, क्रीज ब्रश नाम डिफरेंट है, नाम डिफरेंट है काम सेम है, तो दोनों में कोई डिफरेंस भी नहीं है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो लोग बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने हिसाब से आप मिनिमम ब्रश को यूज़ करके भी आप मैक्सिमम मल्टीपल ब्रशेस क्रिएट कर सकते हो। फिर स्मूथ का तो मैंने बता ही दिया, स्मूथ करने का शिफ्ट प्रेस करके आप स्मूथ कर सकते हो, फ्लैटन करने का भी मैंने बता दिया, लाइक आपको किसी पार्ट को फ्लैटन करना है तो जस्ट उस पार्ट पर ऐसे चला दो, ये फ्लैटन ब्रश है, फ्लैटन ब्रश इम्पॉर्टेंट ब्रश है क्योंकि जरूरत पड़ता है, तो कुछ इस तरह से अगर मैं फ्लैट कर दूँ तो हमारा काम हो जाएगा। लाइक अब अंदर के साइड से मेरे को कभी फ्लैट, एक कुछ कुछ ऐसे टाइम्स आते हैं जब हमें फ्लैटन टूल का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है, और ये इम्पोर्टेंट ब्रश में से भी एक होता है फ्लैटन ब्रश हमारा,
बहुत सारे हार्ड सरफेस मॉडलिंग में अगर आप जाओगे तो फ्लैटन टूल मेजोरिटी यूज होता है। अगर आप स्कल्टिंग कर रहे हो हार्ड सरफेस स्कल्टिंग, तब आपका ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ब्रश है उस टाइम पे, क्योंकि आपका हर जगह आपको दिखेगा कि फ्लैट करना है, फ्लैट करना है, कॉर्नर्स आपको दिखेंगे कि परफेक्टली फ्लैट है, तो ये सब देखना पड़ता है। तो ये कुछ इस तरह का मेरा थ्रेड है। आप देखते हैं ये वाला फिल ब्रश क्या करता है। फिल ब्रश को मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर, ऐसे तो कोई डिफरेंस लग नहीं रहा है। ओके, ये कुछ नया ब्रश है, ठीक है, ये भी यूज़ में आ सकता है, बट मैं यूज़ नहीं करूँगा। अगर मेरे केस में देखा जाए तो मैं यूज़ नहीं करूँगा। हाँ, ये हॉर्न्स बनाने के लिए यूज़ में आ सकता है, लाइक अगर आप कोई डीमन बना रहे हो उसका हॉर्न्स आपको क्रिएट करना है तब आप ये ब्रश को यूज़ कर सकते हो, बट मैं बेसिकली कैरेक्टर में हूँ नहीं तो मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ। बेसिकली हॉर्न्स बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये क्या है, स्क्रैप स्क्रैप टूल, बेसिकली फ्लैटन टूल ही है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, मतलब अभी जितना मैंने यूज़ किया है ये फ्लैटन टूल ही है। बस एक्स्ट्रा लोगो डाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप बेसिक नॉलेज आपके पास, ये भी एक तरह से फ्लैटन टूल है, बस फ्लैटन टूल नहीं, एक तरह से ठीक है, इसका अलग तरीका, लाइक ये एक तरह का क्री, ये क्या बोल सकते हैं इसमें, स्मूथ शार्प, मतलब इन फ्लैट करके कुछ होता है एक ऑप्शन, वो उस टाइप का ये ब्रश है। हाँ, ये भी यूजेबल है, लाइक जब आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। मैं एग्जांपल्स में क्या बताऊँ कि स्टाइलाइज्ड हेयर बनाना रहा आपको तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये ब्रश एक यूजेबल है। मैं इसे अगर ब्लेंडर के पे कभी स्कल्पिंग करना रहा तो मैं इसे कंसिडर कर सकता हूँ बनाने के लिए। यहाँ पे जैसे कि हेयर्स का मैंने बोला था कि आप हेयर्स बना सकते हो, देखो तो इसका हेयर्स में जो मिनिमम हेयर होते हैं वो वाला पार्ट ये हो गया आपका, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो इसे। ये क्या करता है देखें, ओके, मिनिमाइज करता है, लाइक ठीक है, आपके जो आपने जो इतने की होल्स क्रिएट कर रहे हैं इसके भी इसको मिनिमाइज करने का काम कर रहे हैं, मतलब श्रिंक करता है एक तरह से, श्रिंक होना चाहिए जैसे उसका नाम, पिंच करता है इसे। ठीक है, तो आपका जितना भी काम है अगर आप उसे पिंच करना चाहते हो, हाँ ये भी एक पावरफुल ब्रश है, ठीक है, ये भी यूजेबल ब्रश है। ग्रैब ग्रैब क्या करते हैं, आई गेस ये मूव ब्रश है, मूव टूल की तरह, हाँ ये मूव टूल है एक तरह से। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इनऑर्गेनिक काम कर रहे हो, ऑर्गेनिक काम कर रहे हो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है आपके लिए, मूव ब्रश। मूव ब्रश का भी अलग अलग ऑप्शन होगा फिर इसमें, या बेसिकली आप देख सकते हो कि आपका ब्रशेस का अलग अलग कलर्स में है यहाँ पे। अब इन कलर्स का भी अलग अलग मतलब होता है, लाइक यहाँ पे आपका सिर्फ था कि आपको पर्टिकुलर डिज़ाइन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे था कि इसमें सारे स्मूथ या फ्लैटन से रिलेटेड आपको ब्रश मिलेंगे, येलो में आ गए तो मूव से रिलेटेड ब्रश मिलेंगे आपको, तो ऐसे ऐसे कलर्स को डिफाइन किया, कलर्स के थ्रू डिफाइन किया गया। अब ये क्लॉथ वाला ब्रश, हाँ क्लॉथ वाला ब्रश जैसे आपको कभी कभार रिंकल्स देने होते हैं कपड़े में, तो आप कुछ इस तरह का रिंकल्स दे सकते हो, लाइक मैं अभी इसे छोटा कर दूँ, रेडियस छोटा करके चला दें। मेरा रिजोल्यूशन अभी लो है, बट आप अपने अगर आपके पास हाई सिस्टम है तो आप उस पर काम कर सकते हो, लाइक इस तरह का रिजोल्यूशन क्रिएट कर सकते हो और फिर उसे स्मूथ कर दो, तो एक प्रॉपर कपड़ा का इफेक्ट वो दे देगा। एक बहुत अच्छा चीज़ है जो ज़ीब्रस पे नहीं है, ज़ीब्रस पे ये होना चाहिए एक्चुअली, बट ज़ीब्रस पे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपने इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का भी अगर कपड़ा बनाते हैं इस तरह का तो हम ब्लेंडर पे लाके उस पर स्कल्पिंग करें, और ऐसे हल्का हल्का स्मूथ ब्रश यूज़ करना है ताकि पूरे कपड़े पे वो फ़र्क ना दिखे, मतलब स्मूथ करेंगे तो प्रॉपर स्मूथ हो जाएगा वो, बट हमें प्रॉपर स्मूथ नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि लाइक हमें बस वो कपड़ा का इफेक्ट भी देखना चाहिए और थोड़ा सा उसमें स्मूथ चाहिए, और अगर पूरा स्मूथ चला देते तो कुछ इस तरह का इफेक्ट होता है, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो ये हाँ, ये एक अच्छा ब्रश है जो मतलब ZBrush पे सिंप्लीफाई देखते हैं क्या करता है, आई गेस सिंप्लीफाई सबको सिंपल कर देगा, देखते हैं कैसा करता है।
ठीक है, तो यूज तो देखते हैं स्ट्रेंथ है, देखते हैं। ओके तो इसका कोई यूज दिखा नहीं मेरे को। ओके हाँ, ये मास्क टूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है मास्क टूल किसी भी चीज पे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो रिंकल्स वाला क्लॉथ वाला मैंने ये ब्रश यूज किया है, इस पार्ट पे फर्क ना पड़े, मैं काम कर रहा हूँ इस पार्ट पे कोई फर्क ना पड़े, उसके अलावा हर जगह पे फर्क पड़े, तो इस मास्क टूल यूज करेंगे और कंट्रोल आई प्रेस करेंगे। लाइक मास्क जो पार्ट ब्लैक है ना, उस पार्ट पे हमारा कोई मतलब अब हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि हम कुछ भी यूज करते हैं, लाइक ये यहाँ पे इसको पूरा अपने हिसाब से पूरा कहीं भी मूव करते हैं, कहीं भी मतलब ड्रॉ पे ड्रॉ किए जा रहे हैं इस पे, तो आप देख रहे होगे आप कि ड्रॉ करने के बाद फर्क क्या हो रहा है। लाइक जहाँ पे ब्लैक है जो पार्ट मास्क एरिया है, वहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उस एरिया पे, उस एरिया के अलावा आपका जो एक्स्ट्रा एरिया जहाँ पे मास्क नहीं था वो एरिया पे बहुत फर्क पड़ रहा है। और इस मास्क को आप साफ भी कर सकते हो, लाइक अब जैसे कि अभी मैं एक और चीज दिखाता हूँ इसको आपको। अब जैसे कि मैं मास्क टूल था मेरा यहाँ पे नीचे में, ठीक है, अब माइनस माइनस क्या करेगा, इरेज कर देगा सारे मास्क को। तो मैं हर साइड से इरेज कर देता हूँ पहले तो, और आपको और कुछ दिखाता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मतलब मास्क टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो इसमें अब मान के चलते हैं कि पहले तो मैं सिलेक्ट करता हूँ ये पूरा फिर से, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देख रहे हैं कि बहुत ब्लरी निकल रहा है, मेरे को शार्प मास्क चाहिए, तो स्ट्रेंथ को हाई कर देंगे और मास्क करेंगे। अभी भी नहीं है, अभी भी थोड़ा सा मेरे को ये करना पड़ेगा, ठीक है, पूरी तरह से नहीं हो पाया, आई डोंट नो क्यों नहीं हो पाया, बट फिर भी चलो ठीक है, एक तरफ से मैं सैंपल दिखाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मास्क है, जिस जगह पे मास्क है उस एरिया पे काम हो, बाकी जगह पे काम ना हो, तो अब क्या करेंगे, जैसे मास्क तो मैंने यूज़ कर लिया इस ब्लैक जगह पे, अब कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो इन्वर्ट हो जाएगा। अब इन्वर्ट होने के बाद आपको बाकी सारा एरिया ब्लैक हो गया, और जहाँ पे कपड़ा वाला था अब वहीं पे आप अपना काम करोगे, लाइक मैं कुछ भी यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो सिर्फ यहीं पे एडिट होगा, उसके अलावा कहीं भी एडिट नहीं होगा, इस एरिया में कहीं नहीं एडिट होगा। जहाँ जहाँ ब्लरी जहाँ जो जो एरिया ब्लरी होगा वो एरिया पे तो हल्का फर्क दिखेगा, बट जैसे मैं इस साइड अगर काम करने जाऊँ इस साइड, तो कोई भी मतलब आपको डिफरेंस मतलब कहीं भी आपको एडिट होता हुआ दिखेगा नहीं, बट जो जहाँ जो एरिया ब्लरी होगा वो एरिया में आपको, जैसे यहाँ पे ब्लैक तो है, पर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे भी हो रहा है क्योंकि ये पार्ट ब्लरी है, और जो जो पार्ट में हल्का सा भी वाइट होगा उस पार्ट पे डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो ग्रे और वाइट ये सब देख के काम करना पड़ता है। जैसे मैं ये एक क्रिएट कर लिया, अब मैं इसमें से हटाता हूँ कंट्रोल आई प्रेस करके मैं अब मास्क टूल को हटा देता हूँ, यहाँ से हटा दी, तो मेरा ये सेप का सेप रह गया और मेरे को ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। इन्वर्ट करके मैंने उस कपड़े वाले एरिया पे भी काम कर लिया। अब देखते हैं ये वाला क्या काम करता है, ये ब्रश, ठीक है, इसका कुछ है नहीं, लाइक पता नहीं ये ब्रश कैसे काम करता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि कोई क्रिएचर कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ पे न्यू स्कल्पिंग पे जाएंगे, डोंट सेव, कोई भी जानवर या ऑर्गेनिक जो भी कैरेक्टर्स होते हैं हमारे वो सिमेट्रिकल होते हैं, तो हम पहले सिमेट्री ऑन कर लेंगे वाई एक्सेस पे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा वाई, एक सेकेंड पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, हम वाई एक्सेस पे सिमेट्री ऑन कर लिए, तो अब एक साइड काम करेंगे तो दूसरे साइड। अब कौन कौन से तीन चार ब्रशेज हम यूज़ करेंगे बेसिकली वो मैं बताता हूँ, पहले तो मूव टूल यूज़ करेंगे, ग्रैब, इसमें ग्रैब नाम है, इसका मैं रेडियस हाई रखता हूँ, क्यों ऐसा, ताकि मैं पूरे सर्कल को अच्छे से खींच सकूँ। आप इसे अगर नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो कि कौन कौन से मेन ब्रशेज होंगे जो आप
अपने लिए यूज कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई नोट पैड है तो आप नोट कर लो कि क्या क्या आप यूज कर सकते हो, मतलब आपके लिए कौन से सारे ब्रशेज जरूरत नहीं आप यूज करो, आपके लिए कुछ ही प्रोसेस हैं जो आप यूज करोगे तो आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपको नोट करना तो आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लाइक मूव टूल, उनमें से एक है मूव टूल। लाइक अभी मेरे को, मैं एक एनिमल का हेड बना रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट नो मैं क्या बना रहा हूँ, बस बना रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देने के लिए बना रहा हूँ बस। तो ये मूव टूल हो गया, अपना काम कर रहा है, ठीक है। ये बैक का पार्ट हो गया उस एनिमल के, बैक का पार्ट, बैक हेड, ठीक है। अलग अलग एंगल से देखेंगे कैसा दिख रहा है, अलग अलग एंगल से हम इसका हाइट और वेट पे ध्यान देंगे। 7 प्रेस करके टॉप व्यू पे काम करेंगे। अब काम करते हैं हम, अब जैसे मेरा ये वाला काम हो गया, अब मेरे को चाहिए आईब्रोज या फिर आई का ये वाला पार्ट। तो जैसे कि अब मैं इसे रेडियस को अगर कम करता हूँ और प्लस में रहेगा अगर मेरा ड्रॉ वाला पार्ट, तो बाहर के साइड आता है, ठीक है। मेरे को बाहर के साइड नहीं चाहिए, मेरे को माइनस पे चाहिए। माइनस पे मैं इसे यूज करूँगा, ठीक है। थोड़ा अजीब दिख रहा है पर वो ठीक हो जाएगा। कैसे, ड्रॉ टूल भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है, वो भी आप नोट कर सकते हो। ड्रॉ टूल, मूव टूल, और आपका वो कैसे इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ। लाइक जैसे आपने एक बेस आई बना लिया, आई का शेप एक क्रिएट कर लिया, और आप देख रहे हो कि आप कितना गलत तरीके से आप क्रिएट किया आपने आई का। तो अब इसे अच्छा करना है, अच्छे से बनाना है, तो यहाँ पे ग्रैब ब्रश ले लो और इसे, सॉरी सेव नहीं करूँगा ना कोई भी फाइल को। तो ये कुछ इस तरह से आपको अपने ग्रैब कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपने ड्रॉ ब्रश यूज़ करके बहुत गलत तरीके का आई बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मूव टूल यूज़ करके अपने हिसाब से आई को क्रिएट कर सकते हो। और शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ बटन पे जाके आप स्मूथ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये शिफ्ट प्रेस करके जो स्मूथ आता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि वो कोई छोटा मोटा ब्रश नहीं है, वो भी बहुत अच्छा ब्रश है। तो ये हो गया, अब हम देखते हैं कि ये क्या है। क्ले ब्रश, क्ले ब्रश भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। तो क्ले ब्रश से हम बनाएंगे यहाँ पे अपना कुछ मसल्स वाला पार्ट बना के दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे या तो इससे, इस क्ले वाले से, या फिर ये वाला जो हो गया क्ले स्ट्रिप्स, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर लो, मैं तो बोलूँगा आप क्ले स्ट्रिप्स यूज़ करो। ये थोड़ा सा मतलब एक मसल्स वाला फील भी देता है कि हाँ इस पार्ट पे मसल्स है। तो अगर मैं अभी जीरोस पर होता तो मैं बेसिकली क्ले स्ट्रिप्स यूज़ करता। उस पर नाम दूसरा है, क्ले बिल्डअप नाम है, बट इस पर क्ले स्ट्रिप्स है तो मैं क्ले स्ट्रिप्स बोलूँगा। तो मैं कुछ भी बना रहा हूँ, लाइक मैं एनाटॉमी वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो आपको अगर गलत लगे तो मैं मतलब पहले ही बता दूँ कि ये एनाटॉमी पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा उतना ऑर्गेनिक पे हाथ नहीं बैठा है, थोड़ा बहुत ही मेरा हाथ बैठा हुआ। सो अब यहाँ पे, अब माइनस पे क्लिक करके यहाँ पे चीक बोन्स वाले पार्ट के पास हमारा, आप देखते हो गड्ढा टाइप का हल्का सा होता है, तो वो क्रिएट करने के लिए इसे ऐसा कर देंगे। आप देख रहे हो आपकी हार्श क्ले टाइप का क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अब इस पे मैं शिफ्ट प्रेस करके रेडियस को कम करूँगा और स्मूथ यूज करूँगा। स्मूथ ब्रश कैसे यूज करते हैं, सिर्फ प्रेस करना है और आपका स्मूथ ब्रश आ जाएगा आपके हाथ में। और अब फिर धीरे धीरे, जैसे कि अब आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलत कर दिया, लाइक इतना इतना पतला हमारा मुंह का पार्ट नहीं होता, तो आप मूव ब्रश यूज़ करो, रेडियस हाई कर दो। रेडियस बड़ा रखोगे तो ज़्यादा दूर तक आपका ब्रश ये कैच कर पाएगा। सो ये कुछ इस तरह का हो गया। अभी फिर भी धीरे धीरे आपको एक शेप दिख रहा हो कि हाँ, तो आपको एक हड्डी टाइप का क्रिएट हो रहा हो, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक
जानवर का है फेस जो हड्डी जैसा दिख रहा है। सो अभी जैसे मैंने इतना कंप्लीट कर लिया, अब क्या करेंगे? पहले तो इसे स्मूथ कर लेते हैं क्योंकि इस एरिया पे हमें बहुत काम करना है, लाइक नोज क्रिएट करने हैं, और नोज क्रिएट करके फिर अपने को माउथ भी क्रिएट करना है, तो ये एरिया थोड़ा वाइड होना चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, तो अब ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्ले बिल्डअप यूज़ करेंगे, लाइक क्ले स्ट्रिप्स यूज़ करेंगे, और जो माइनस में हमने डाला था इसे प्लस में डाल देंगे, और ये वाले पार्ट को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि ये बैक वाले पार्ट से कंबाइन हो जाए, और सिर्फ प्रेस करके स्मूथ करेंगे। स्मूथ करना इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको एक ऑर्गेनिक शेप मिले। ठीक है, तो बिल्डअप यूज़ कर लिया मैंने। सो ये चीक बोन्स कुछ ज़्यादा ही अंदर चल गया, तो मेरे को उतना अंदर भी नहीं करना था। ओके, तो फिलहाल के लिए तो ये ठीक है। ओके ठीक है, थोड़ा प्लस करके ये ऐसे थोड़ा सा कंबाइन कर देंगे, मर्ज कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का हमारा हो गया। ठीक है, ये शेप क्रिएट हो गया। अब नोज कैसे क्रिएट करना है? नोज क्या क्रिएट करने में हमें जो प्रॉब्लम होना है, जैसे कि अब नोज हमें क्रिएट करना, तो पहले नीचे जाना पड़ेगा। जो जो मैं अभी टूल्स यूज़ कर रहा हूँ वो आप नोट करते रहना, हो सकता है मैं भूल जाऊँ आपको बताना टूल्स का, तो अगर मैं आपको बताना भूल जाऊँ कि कौन सा टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखना कि इस कैरेक्टर को बनाने के लिए मैं कौन कौन से टूल्स को यूज़ कर रहा हूँ। बस आप उतना ही टूल्स अगर आप यूज़ कर लोगे ना, तो आप मतलब इंटरमीडिएट लेवल के स्कल्पिंग तो बन ही जाओगे। तो यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ अपना मास्क टूल। ठीक है, मास्क टूल यूज़ कर रहा हूँ इस पार्ट के लिए। ब्रश को थोड़ा छोटा पार्ट करना पड़ेगा और एक इस तरह का शेप देना पड़ेगा नोज के लिए, क्योंकि आप अगर स्कल्स वगैरह देखते होगे तो कुछ इस तरह का शेप होता होगा। कंट्रोल आई प्रेस कर देंगे, पूरा ब्लैंक पार्ट सेलेक्ट हो गया। अब इसमें से हमें ये वाला पार्ट को पर्टिकुलरली निकालना है, तो मूव ब्रश यूज़ करेंगे, ग्रिप ग्रैब करके इसमें नाम है, मेरे को जीब्रस वाला ज़्यादा नाम याद है इसलिए मैं जीब्रस वाला बोल रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी अगर नाम गलत बोल दो तो। बट सिंबल आप देख लोगे, ग्रैब टूल नाम है इसका। स्मूथ करना और मूव करके बाहर निकालना, तो ग्रैब ग्रैब करके आप बाहर निकालो अपने हिसाब से। पहले एक बार ये बाहर निकल गया, फिर क्या करना है, कंट्रोल आई प्रेस कर लो, और फिर जो मास्क टूल था आपका उसको माइनस में ले जाके, जैसे ये हमारा मास्क टूल है, सो मास्क टूल इसको माइनस में ले जाके यहाँ से माइनस कर दो। फुल माइनस कर लिया हमने, यहाँ पे सब कुछ है। ठीक है, ये ग्रैब ब्रश यही है ना, ग्रैब ब्रश, ये ग्रैब ब्रश है। सो रेडियस थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो नाक है वो उतना बड़ा भी नहीं होगा। अब इसे कंबाइन करना है। स्मूथ ब्रश हर जगह इम्पोर्टेंट आता है, लाइक आप हार्ड सरफेस पे काम करो या ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक आप कहीं भी काम करो, स्मूथ हर जगह काम आता है। स्मूथ मूव ड्रॉ ब्रश क्ले बिल्डअप वो मतलब ऑर्गेनिक जगह पे ही काम आता है, या फिर कभी कभार इनऑर्गेनिक में आ जाता है, बट बेसिकली यही है। तो अभी फिलहाल के लिए जैसे मेरा इतना शेप क्रिएट हो गया, तो अभी एक्स्ट्रा शेप बनाने के लिए ये मैं ड्रॉ ब्रश यहाँ पे यूज़ करता हूँ ताकि नाक का एक शेप क्रिएट हो जाए। ठीक है, सो अभी मूव टूल फिर से यूज़ करेंगे। मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं हूँ, फिर स्टार्टिंग से बता दूँ, मैं जस्ट मेरे को बेसिक्स में मैंने स्टार्टिंग में सीखा था, तो मैं उसी को याद करके मैं यहाँ पे कैरेक्टर बना रहा हूँ। मैं उतना मेरा हाथ नहीं है कैरेक्टर में, तो गलत बने एनाटॉमी वगैरह गलत हो तो समझ आना कि मैं मतलब उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। अब यहाँ पे मैं फ्लैटन ब्रश यूज़ करूँगा, जो मैंने पहले बोला था कि हर जगह ज़रूरी होता है। फ्लैटन से हम फ्लैट करेंगे कुछ पार्ट्स को, यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे पहले। स्मूथ और स्मूथ हर एक कोई भी आप ब्रश लो उसके साथ स्मूथ यूज़ करना ही करना, लाइक आप ड्रॉ ब्रश यूज़ करो, फ्लैटन ब्रश यूज़ करो, आपको साथ में
स्मूथ यूज़ करना ही करना, कुछ भी कर लो। तो इस बात का ध्यान रखना, मूव टूल यूज़ करके, मूव टूल से एक बार ऊपर के साइड किया, ठीक है, थोड़ा सा रेडियस बढ़ा देते हैं क्योंकि दिक्कत हो रहा है, तो ठीक है इतना ये स्मूथ कर दे रहे हैं क्योंकि मेरे को कुछ ज़्यादा ही नाक बहुत अजीब सा दिख रहा है। ओके सो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, स्मूथ ये शिफ्ट एस से हो जाता है। फिर ये आपका यहाँ पे ये मैं ले रहा हूँ ड्रॉ शार्प, ये ड्रॉ शार्प भी बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, तो ड्रॉ शार्प आप देख लेना, अगर आप कहीं नोट कर रहे हो तो इसको भी नोट कर लेना। और प्लस माइनस वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लाइक प्लस में करना है या माइनस में करना है। देखो ये ड्रॉ शार्प बेसिकली हाईलाइट करने का काम कर रहा है, आप देख रहे होगा। अब स्मूथ कर दो कुछ कुछ पार्ट्स को, ठीक है, जैसे कि ये स्मूथ कर दिया मैंने, यहाँ पे हाईलाइट करना है जैसे मेरे कुछ पार्ट्स को, और स्मूथ कर देंगे तो थोड़ा अच्छा इफेक्ट रहेगा। आपके ऊपर आप कितना अच्छे से टाइम देकर आप कितना काम कर सकते हो, मैं तो बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो अब मैं फिर से ड्रॉ ब्रश लूँगा, इसे नेगेटिव में रखूँगा, और यहाँ पे मेरे को फेस का माउथ के लिए क्रिएट करना है। तो जस्ट मैंने एक माउथ का शेप दे दिया है, अब पूरा माउथ नहीं बनाऊँगा मैं, मेरे को बस अब करना क्या है कि ड्रॉ ब्रश यूज़ करके इसका रेडियस का ये थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि एक पूरा डाउन चल जाए, ये अप जाए, ताकि एक देख के लगे कि हाँ यहाँ पर माउथ है। सो यहाँ पे हमारा लाइक हमारा अब यहाँ पे पिक्सल्स के साथ ऐसा हो रहा है कि पिक्सल्स फटे फटे अब हो रहे हैं, हमें रिजोल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। तो ठीक है हम बढ़ाते हैं, कॉन्स्टेंट डिटेल्स स्मूथ शेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस कम करके काम करना है, जैसे मेरा यहाँ पे फटाफट आ रहा है, अब यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा, तो अब डायना मैश में जाके 50 पे ट्राई करते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं। वैसे वैसे हम अपना चेंज कर करके हर समय देखते रहेंगे कि सही से काम कर रहा है। सो अभी मेरा हैंग थोड़ा सा हुआ है, देखते हैं कुछ ठीक है, कुछ तो हुआ ठीक है, ओके कुछ ज़्यादा ही हाई जा रहा है तो मैं ज़्यादा हाई नहीं होंगे, ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। तो बेसिकली ZBrush और ब्लेंडर पे आप को मैं अगर डिफरेंस बताऊँ ना, तो अभी आप देख रहे हो कि मेरा अटक अटक के चल रहा है ये लैपटॉप, बल्कि अगर यही सेम काम ये स्कल्पिंग डिटो सेम टू सेम स्कल्पिंग अगर मैं ZBrush पे कर रहा होता ना, मेरा ये अटकता नहीं। तो बात वही है कि आप ZBrush हम इसीलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इस तरह से स्टार्टिंग से ही ऐसे ऐसे भारी चीज़ों के लिए बना हुआ है। आप हल्का सा अगर आपका ग्राफिक कार्ड तगड़ा, थोड़ा सा भी तगड़ा ग्राफिक कार्ड है ना, मतलब ज़्यादा भी नहीं, लाइक GTX पे GTX 1080 या 1050, उस पर भी आपका मतलब इस लेवल का भारी काम वो कर देगा। बट वही ब्लेंडर पे आप सेम इस सारे स्पेक्स आपके सेम है, बट आप ब्लेंडर पे स्कल्पिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा वो इशू कर देता है, जैसा मेरे को अभी हो रहा है। तो बस इसीलिए मैं ब्लेंडर यूज़ नहीं करता हूँ, मैं ब्लेंडर स्कल्पिंग के लिए पहले यूज़ करता था, बट क्योंकि फिर वो ये होने लगा लाइक मेरा लैग होने लगा, तो मैं फिर ZBrush ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो लैग नहीं करता कभी भी। अब जब अगर काम करोगे अपना स्कल्पिंग का तो वो लैग नहीं फील होगा आपको, अगर लैग फील तभी होगा जब आप मतलब हद से ज़्यादा वर्टेक्स हो ये कर दोगे, बट ये हद से ज़्यादा वर्टेक्स नहीं है, जिस वर्टेक्स पर भी हम काम कर रहे हैं वो नॉर्मल काम है, और ये ZBrush पे स्मूथली काम होता है, इसलिए मैं बेसिकली ZBrush प्रेफर करता हूँ काम करने के लिए। कुछ कुछ हर सॉफ्टवेयर के कुछ डिसएडवांटेज हैं, लाइक सबके अपने अपने होते हैं, तो उतना ये नहीं कि ब्लेंडर ख़राब है ZBrush ख़राब है, कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं, सारे सॉफ्टवेयर अपने अपने बेस्ट होते हैं। तो ठीक है, मूव टूल यूज़ करके आप इसके फेस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देंगे, रिंकल्स क्रिएट करेंगे, रिंकल्स क्रिएट अपने आप हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना बाद में अपने आप ही करना पड़ता। फिर अब जैसे कि अब मेरे को इस पर हॉर्न्स क्रिएट करने हैं, मेरे को क्रिएट तो नहीं करना था, जैसे कि मैंने अभी जितने भी ब्रशेस बताए वो तो आपको डेली बेसिस पे यूज़ करना ही करना है अगर आप स्कल्पिंग कर रहे हैं,
कुछ ऐसे होते हैं लाइक आपको हॉर्न्स क्रिएट करने हैं, हॉर्न्स पे डिटेल डालना है, वो सब के लिए आप क्या करोगे? वो सब के लिए आपको फिर यही करना पड़ेगा कि लाइक अलग अलग तरह की चीज़ों को आप यूज़ करो, जैसे कि इसमें मैं अभी यूज़ करूँगा, अब मेरे आप देख रहे हो प्रोसेसर पे लोड पड़ रहा है, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मैं बस एक हॉर्न क्रिएट कर दे रहा हूँ बेसिक सा, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा तो मेरा प्रोसेसर के सिस्टम पे इफेक्ट पड़े। मास्क टूल का मैंने बता दिया कि मास्क टूल होता है, फिर जैसे आपको आपका मॉडल पे कपड़ा है, ठीक है, आप जस्ट एक कपड़ा का ब्लॉक आउट क्रिएट कर दिए और सोच रहे हो कि आपको कपड़ा का डिज़ाइन ना बाद में डाल दो, तो आप कपड़ा क्लॉथ टूल यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, मैं क्लॉथ का डिज़ाइन दे दूंगा, ये कंपलसरी नहीं है बट कभी कभी कुछ कुछ केस में लाइक आपको कपड़े का इफेक्ट देना पड़ता है, तो वो या तो आप टेक्सचरिंग सॉफ्टवेयर में सब्सटेंस पेंटर पे जाके करो या फिर आप कहीं भी जाके करो। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक फ्लैटन टूल हो गया, फिर क्रीज टूल जो मैंने बताया था कि क्रीज टूल बेसिकली आपको ज़रूरत पड़ेगा नहीं, मतलब आप ज़्यादातर काम अगर ड्रॉ शार्प आपको अच्छे से आ गए, ड्रॉ शार्प करना, तो ये देखिए ड्रॉ शार्प का ये तरीका और क्रीज करने का ये तरीका दोनों सिमिलर ही हैं एक तरह से, बस इसमें क्या है कि ड्रॉ शार्प में आपका थोड़ा हार्श ये करता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती, स्मूथ कर देते ये और ये ऑलरेडी स्मूथ दे देता है, तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपको क्रीज यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, बट मैं तो बेसिकली 5-6 यूज़ करता हूँ, जो मैंने अभी नाम लिया बस वही सारे मैं यूज़ करता हूँ। अब जैसे कि ये हो गया, ये कुछ अलग ही चीज़ है, ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो कि कैसे मतलब स्कल्पटिंग वगैरह कर सकते हैं अपने ब्लेंडर पे। तो जैसा कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था, न्यू न्यू सब्सक्राइबर है वो, तो थैंक यू मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो ये कुछ इस तरह का आप कैरेक्टर क्रिएट कर अपन आपका कैरेक्टर का अगर हाथ अच्छा है तो आप कैरेक्टर क्रिएट करो, बाकी मैं इन फ्यूचर ऑलवेज और भी स्कल्पटिंग के प्रोसेस लाऊंगा, ZBrush पे भी करके दिखाऊंगा और इस पे भी करके दिखाऊंगा, तो ये तो मेरा ब्लेंडर का हो गया, अगला जो स्कल्पटिंग का होगा वो ZBrush पे होगा, ZBrush पे कैसे करेंगे। तो फिलहाल के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।